Hello friends, myself Santosh and I welcome you on the platform of Namaste English. Friends, we have taken a new initiative to teach you grammar and we will be doing this through the help of news and interesting videos like this. So what to do? You simply need to download our Namaste English app from the Play Store and then simply go to the Daily Khabar option and from there you can read that news article. And then I will be covering that news article daily in this classroom and will be teaching that new grammar tip. So definitely it would help you to improve your grammar part. So let's start. Let's learn something new in today's class. Let's go ahead. So friends, आइए सीखते हैं एक नई grammar tip आज के इस वीडियो में. आज हम सीखेंगे अगर आपको सेंटेंस में can दिखे तो उसको कैसे passive voice में change किया जाना चाहिए. ठीक है, तो देखते हैं. बट उससे पहले एक बार न्यूज़ पढ़ देते हैं आपके लिए. इंडियन रेलवेज हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड स्पीड ट्रेल्स ऑफ न्यू एसी टू टीयर एलएचबी कोच. ट्रेन में कोचेस होते हैं तो एक नए कोच का जो कि एसी टू टीयर वाले जो कोचेस हैं उनका एक ट्रायल रन किया गया. उसमें क्या पाया गया देखते हैं एक बार. द स्पीडोमीटर कैन बी क्लियरली सीन टचिंग द 180 किलोमीटर पर आवर स्पीड. ठीक है, तो स्पीड जो है एलएचबी कोच जो ये नया कोच है उसकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा वाली स्पीड पाई गई. ठीक है, तो एक छोटी सी अचीवमेंट है. हम धीरे धीरे जो है पहले हमारी स्पीड 120 हुआ करती थी, 80 होती थी पहले, तो फिर 120 हुई, धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ा रहे हैं. तो कहीं ना कहीं आपको आने वाले टाइम पे ट्रेनें सही टाइम पे चलती हुई दिखेंगी. ठीक है, तो यहाँ पे ये न्यूज हो गया. अब यहाँ पे मेन चीज, यहाँ पे आप देखोगे द स्पीडोमीटर कैन बी क्लियरली सीन. स्पीडोमीटर मतलब जो स्पीड को नापने वाला होता है, वो एक ऐसा यंत्र. ठीक है, तो कैन बी सीन देखा जा सकता है. ठीक है, टचिंग द 180 किलोमीटर पर आवर स्पीड, मान लेते हैं दिस कैन बी सीन बाय यू, ये तुम्हारे द्वारा या ये आपके द्वारा देखा जा सकता है. दिस कैन बी सीन बाय यू. तो मेन चीज आता है कि यहां पे तो ये जो सेंटेंस ही आपको ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में है, तो आपको मैं चेंज करना सिखाता हूं बहुत ही शॉर्ट तरीके से. ठीक है, देखिए यहां पे मैं कहता हूं आई कैन सी द ट्रेन. ठीक है, ये आपका एक नॉर्मल सा सेंटेंस हो गया जो कि अभी एक्टिव फॉर्म में है. इसको पैसिव बनाना है तो कैसे बनाते हैं, याद रखिएगा कभी भी आपको कोई मॉडल वर्ब दिखे, फिलहाल यहां पे कैन है तो कैन के बाद या फिर मे होता या फिर कुछ और होता, आपको बी जोड़ देना होता है उसके साथ. ठीक है, सब्जेक्ट को पीछे धकेल दीजिए तो आपका सब्जेक्ट जो है ये चला जाएगा पीछे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म वाला बन जाएगा इसका. बट ये जो ऑब्जेक्ट है ये आगे आ जाता है. आपने इतना तो सीखा होगा लास्ट के कई वीडियोस में, मैंने आपको सिखाया है. तो द ट्रेन आपका आगे आ जाएगा, तो आपने द ट्रेन आगे कर दिया. ठीक है, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैन ही है, बट मैंने आपको अभी सिखाया कि कैन हो, मे हो, माइट हो, जो भी हो, बट यहाँ पे फिलहाल कैन है. तो कैन के बाद बी लगा दीजिए, मॉडल वर्ब है ना ये, तो कैन के बाद द ट्रेन कैन बी. ठीक है, और हमेशा जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है आपका, आपने ये पैटर्न याद किया होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है. तो हेल्पिंग वर्ब आपने लगाया कैन, कैन बी लगाया मान लीजिए, उसके बाद वर्ब, तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है आपके पैसिव वॉइस में. तो द ट्रेन कैन बी सीन. ठीक है, बस रह गया आपका बाई. बाई किसके द्वारा, बाई, अब आई का, आई को जो है आपको कहा था कि लास्ट में ढकेलना है, बट आई को आपको ढकेलना कैसे है, किस तरीके से, किस फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म बना के. तो आई को जो है आप यहाँ पे मी कर दीजिए, तो आप सिंपली ऐसे बना सकते हो, है ना इजी. तो ऐसे ही आपको सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं. अब यहाँ पे देखिए द स्पीडोमीटर कैन बी क्लियरली सीन, तो देखो कैन बी वहां पे भी यूज किया गया है, सीन का यूज किया गया है वर्ब की थर्ड फॉर्म का, तो आप आराम से देख के कहीं पे भी पहचान सकते हो कि वो पैसिव फॉर्म में है और उसका मीनिंग भी इसी तरीके से निकलेगा कि देखा जा सकता है. जैसे यहाँ पे ट्रेन जो है मेरे द्वारा देखा जा सकता है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि मैं ट्रेन देख सकता हूँ, नीचे जाके ट्रेन मेरे द्वारा देखा जा सकता है. तो इस टाइप से आप जो है हिंदी में ट्रांसलेट भी कर सकते हो इनको. ठीक है, बाकी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एक छोटा सा मैंने आपको सिखाया. अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए कि कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में जो है चीज़ें चेंज की जाती है, सेंटेंसेस चेंज किए जाते हैं, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए मेरे द्वारा स्पेशल मास्टरी कोर्स ऑन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो कि हमारे ऐप पे आपको मिल जाएगा.
ठीक है, आपको एक ऐसा ही सेंटेंस खुद से लेके उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आई होप कि बहुत ही मजा आएगा। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, बहुत सारे यूजर्स पार्टिसिपेट करते हैं, आप भी कीजिए, देखता हूँ किसका सबसे बेस्ट रिप्लाई आता है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। ये छोटी छोटी ग्रामर टिप्स सीखते रहिए, धीरे धीरे फ्लुएंसी आपको गेन होती जाएगी, ठीक है। तो हैव अ ग्रेट डे अहेड, लाइक कीजिएगा वीडियो को अगर मेहनत पसंद आई है तो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है, ठीक है। थैंक यू।